छात्राओं नमस्कार। आज हम ईशावास्योपनिषद के ही मंत्रों की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथे मंत्र से प्रारंभ करेंगे। पिछले तीन मंत्रों में हमने ईश्वर की सर्वव्यापकता, निष्काम कर्म और आत्मघाती आत्महंता पुरुषों के बारे में पढ़ा है। अब चौथे मंत्र में परमात्मा के ईश्वर के स्वरूप का यहाँ विवेचन किया गया है। वो इस प्रकार है, अनेजत एकम मनसो जवियो नेनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तदधावतो अन्यान अत्येति तिष्ठति तस्मीन अपो मातरिश्वा दधाति। वह ईश्वर, वह आत्मा या परमात्मा अनेजत, अनेजत अर्थात नहीं चलने वाला, क्रिया नहीं करने वाला, गति नहीं करने वाला, अर्थात अचल स्वरूप वाला है, स्थिर स्वरूप वाला है। एकम एक है, अकेला है, एकाकी है। मनसो जवियो मन से भी अधिक, जवीय अर्थात वेगवान है। संसार में मन को सर्वाधिक वेगवान माना गया है, लेकिन वह परमात्मा मन से भी अधिक वेग वाला है। नेनत देवा आपनुवन, देवता जिसको न एनत देवा, एनत इसे देवा आपनुवन देवता भी प्राप्त नहीं कर सके, इस आत्मा को, इस परमात्मा को देवता भी नहीं जान सके। यहाँ देवता के दो अर्थ है, देवता और इंद्रियां। इंद्र आदि देवता जिसके स्वरूप को नहीं समझ सके, या हमारी इंद्रियां जिस आत्मा के स्वरूप तक नहीं पहुंच पाई, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकी है। पूर्वम अर्षत, जो पूर्वम अर्थात सबसे पुराना है, सबका आदि है, सबसे प्राचीन है। अर्षत, अर्षत का तात्पर्य है यहाँ ज्ञान स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठति, तिष्ठति अर्थात स्थिर स्वरूप वाला होकर भी, अचल स्वरूप वाला हो। तिष्ठत, तिष्ठत से तात्पर्य है स्वयं स्थिर होकर भी, बिना गति के भी, अगतिशील होकर भी। तत् वह परमात्मा धावतो अन्यान, दौड़ते हुए, दौड़ते हुए अर्थात वायु मन इंद्रिय आदि दौड़ते हुए इन अन्यों का अत्येति अतिक्रमण कर जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह परमात्मा तो अचल है, अटल है, स्थिर है, एक ही स्थान पर रहने वाला है, गति से रही थे, लेकिन गति करने वाले जो संसार में सर्वाधिक गतिमान पदार्थ माने गए हैं, वायु मन इंद्रिया, उनको भी लांग जाता है। मन सर्वाधिक गति वाला माना गया है, जहाँ मन एक क्षण में समस्त लोगों की यात्रा करके लौट आता है, लेकिन वह परमात्मा तो जब तक मन पहुँचता है उससे पहले ही वहाँ विद्यमान है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता कण कण में व्याप्त मानी गई है, सर्वत्र उसकी गति सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए मन आदि को भी वह अतिक्रमित कर जाता है, लांग जाता है। तस्मिन अपह मातरिश्वा ददाति, उस परमात्मा में मातरिश्वा वायु आदि देवता अपह ददाति, जल वर्षा आदि क्रियाओं को करते हैं, जल वर्षा आदि क्रियाओं को धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वायु आदि सभी देवता उस परमात्मा की शक्ति के कारण ही अपने अपने कार्य निष्पन्न करते हैं, संपन्न करते हैं। परमात्मा की सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति के आधार पर ही सभी देवता अपने अपने कार्यों में रत रहते हैं, अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। यहाँ एक दूसरा अर्थ भी इस प्रकार से किया गया है, तस्मिन उस परमात्मा में, उस ब्रह्म में मातरिश्वा अर्थात वायु प्राणियों के अपह का अर्थ किया है कर्म, प्राणियों के सभी कर्मों को धारण करता है। मनुष्य जो यज्ञ आदि कार्य करते हैं वो वायु के माध्यम से ही ब्रह्म तक पहुंचते हैं, और ब्रह्म या परमात्मा उन कर्मों का फल मनुष्य को प्रदान करता है। वायु गति का माध्यम है और कर्म भी गति से ही किए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ परमात्मा के ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, वो स्थिर स्वरूप वाला है, अटल है, स्वयं अपने शुद्ध रूप में गति शून्य है, मन आदि गतिशील वस्तुओं से भी वो अधिक वेगवान, अधिक तीव्र गति वाला बताया गया है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, इंद्रिय और देवता उसको नहीं पा सकते, वह सर्वज्ञ है, सबका आदि है, सबसे पहले ही वह विद्यमान है, सबसे पुरातन है, और मन आदि गति करने वालों को वह अतिक्रमित कर देता है, क्योंकि वह पहले से ही
विद्यमान है। साथ ही वायु आदि देवता जो कार्य करते हैं उन कार्यों की सामर्थ्य भी उनको उसी परमात्मा के बल से, परमात्मा की शक्ति से प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ परमात्मा का सर्वशक्तिमान स्वरूप, सर्वज्ञ स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। अब अगला मंत्र इस प्रकार है, तद एजति तन्नेजति तद दूरे तद अंतिके तदु अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। यहाँ परमात्मा के विरोधी स्वरूप का प्रतिपादन ऋषि ने किया है। तत् वह परमात्मा एजति चलता है, गति करता है। तत् न एजति वह परमात्मा न एजति नहीं चलता है, गति नहीं करता है, अर्थात स्थिर स्वरूप वाला है। तद दूरे वह दूर है। तद उ अंतिके उ यहाँ वास्तव अर्थ में आया है, निश्चय ही वह अंतिके, अंतिके यानी पास में है, समीप में है। तद अंतरस्य तद अंतः अस्य सर्वस्य वह अस्य सर्वस्य इस संपूर्ण विश्व के अंतः भीतर अवस्थित है। तद उ अर्थात वास्तव में, निश्चय ही वह परमात्मा अस्य सर्वस्य बाह्यतः, अस्य सर्वस्य इस संपूर्ण जगत के बाह्यतः बाहर है। तो यहाँ उस परमात्मा के विरोधी स्वरूप को प्रतिपादित किया है। वह चलता है और नहीं भी चलता है। वह गति इस रूप में करता है कि वह परमात्मा सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि में विद्यमान समस्त पदार्थों को गति प्रदान करता है। सूर्य चंद्रमा और संसार के समस्त प्राणी उस परमात्मा की शक्ति से ही अपने अपने कार्य करते हैं और गतिशील रहते हैं। इस रूप में वह परमात्मा गति करता है, ऐसा कहा गया है। तत् न एजति वह नहीं चलता है, वह गति नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह सृष्टि की रचना कर चुकने के बाद स्वयं अपने शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाता है। स्वयं शुद्ध रूप में वह गति रहित है, गति शून्य है, अचल है। जैसे चुंबक लोहे को गति देता है लेकिन स्वयं गति रहित होता है, ऐसे ही परमात्मा का स्वरूप भी समझा जा सकता है। तद दूरे तदु अंतिके वह दूर भी है और पास भी है। वह दूर तो अज्ञानियों के लिए है जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं और सांसारिक विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं, उनके लिए वह दूर है। तदु अंतिके वह निश्चय ही पास भी है, तो वह ज्ञानियों के लिए पास है जो ज्ञानी विकलित विषयांतर होकर एकमात्र आत्मा का ही श्रवण मनन नित्यध्यासन करते हैं, शुद्ध प्रज्ञा के द्वारा उसका प्रतिदिन साक्षात्कार करते हैं। तो ऐसे आत्मज्ञानियों के लिए वह समीप है, उनके भीतर अवस्थित है, क्योंकि परमात्मा सबके भीतर भी है, बाहर भी है। केवल अज्ञान का उस पर आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए अज्ञानी लोग उस आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। तद अंतः अस्य सर्वस्य वह सबके भीतर भी है। परमात्मा के सभी प्राणियों के भीतर सत्ता विद्यमान है। प्रति प्राणी में जो आत्मा है वही वास्तव में परमात्मा है। तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः वह संपूर्ण विश्व के में बाहर भी है। प्राणियों के भीतर भी वह विद्यमान है और समस्त प्राणियों से बाहर जो संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत है, उस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में भी उसकी सत्ता है। कण कण में वह व्याप्त है। तो यहाँ भी परब्रह्म की सर्वव्यापकता को बताया गया है। भीतर बाहर पास दूर आदि सर्वत्र वह विद्यमान है। इस प्रकार से परमात्मा की सर्वव्यापक स्वरूप को यहाँ ऋषि ने समझाया है। केवल योगाभ्यास के द्वारा, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार किया जा सकता है। अब तीसरा मंत्र इस प्रकार है, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ यह बताया गया है कि जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है वह फिर
प्राणी मात्र से भी घृणा नहीं कर सकता। सब में वो एकत्व भाव को देखता है, समत्व भाव को देखता है। यह तु सर्वाणि भूतानि, यह जो व्यक्ति सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों में प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मनि एव अपने में एव ही अनुपश्यति देखता है। सर्वभूतेषु च आत्मानम्, और सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में आत्मानम् स्वयं को अनुपश्यति देखता है। ततो न विजुस गुप्सते, ततः उसके बाद वह व्यक्ति न विजुगुप्सते घृणा नहीं करता है। तो यहाँ इस मंत्र में ऋषि यह प्रतिपादित करना चाह रहे हैं कि जो साधक सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि प्राणी मात्र में सभी प्राणियों को, समस्त भूतों को, सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, अपनी आत्मा में ही देखता है, स्वयं में ही देखता है, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, समस्त भूतों में आत्मानम्, आत्मानम् स्वयं को, अपनी आत्मा को अनुपश्यति देखता है। ततः उसके बाद न विजुगुप्सते, वह किसी से भी तिरस्कार की भावना नहीं रखता, किसी से घृणा नहीं करता है। यहाँ समत्व दृष्टि का ऋषि ने विवेचन किया है। जो परमात्मा प्राणी मात्र में व्याप्त है, वही स्वयं के भीतर भी है, और जो स्वयं के भीतर व्याप्त है, वही परमात्मा प्राणी मात्र में भी व्याप्त है। इस प्रकार के समत्व भाव को जो जान लेता है, इस प्रकार के समत्व भाव का जो दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार दर्शन कर लेता है, उसके लिए जगत के सभी प्राणी एक समान है, क्योंकि सभी प्राणियों में वही आत्मा निवास कर रहा है जो खुद के स्वयं के भीतर भी आत्मा रहता है। जब आत्मा एक ही है तो फिर किसी प्राणी से कैसी घृणा और कैसा द्वेष, फिर वह प्राणी मात्र के प्रति समत्व दृष्टि ही रखता है, सब में प्रभु के ही दर्शन करता है, सब में परमात्मा के ही दर्शन करता है, सभी प्राणियों को सुखी देखना चाहता है, किसी को भी किसी प्रकार का वह कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार से प्राणी मात्र की सेवा करना, प्राणी मात्र के सुखों के लिए प्रार्थना करना, प्राणी मात्र के कल्याण की और हित की कामना करना ही उस साधक का लक्ष्य हो जाता है। ऐसा प्राणी कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता है। यही भाव इस मंत्र में ऋषि द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आज हमने तीन मंत्रों की व्याख्या को और पढ़ा है और परमात्मा के स्वरूप को समझा है, और परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार करने के बाद व्यक्ति की कैसी मनोवृत्ति हो जाती है, किस प्रकार से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बढ़ सकता है, इसको हमने समझा है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का यह वीडियो था, इसको आप लाइक अवश्य करें, और मेरे चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।